ओके तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग के बारे में। अगर आपको याद हो जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड राउटिंग पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि नेट के अंदर जब हम डायनामिक ओवरलोड या पैट पढ़ेंगे तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग करेंगे, एंड आई थिंक वी मिस्ड दैट, है ना, वो छूट गया था हमसे उस टाइम। तो यस, डिफ़ॉल्ट राउटिंग को एक बार इस वीडियो में कवर करते हैं, राइट। तो है क्या डिफ़ॉल्ट? देखिए, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर किसको बोलते हैं? आदमी जब कुछ नहीं समझ आता ना, बोलते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाता है। क्या करता है वो, है ना, पैनिक करता है या फिर लाइक छुपने की कोशिश करता है, डर जाता है, कुछ भी, लाइक ये ह्यूमन ट्रेट्स हैं, डिफ़ॉल्ट ट्रेट्स। और राउटर के केस में अगर कोई पैकेट आता है राउटर के पास और कुछ ऐसा पैकेट है जिसमें जो डेस्टिनेशन है वो अननोन है, राइट, उसको नहीं पता क्या करना है, तो उस केस में राउटर के पास दो ऑप्शन है। या तो वो पैकेट को करेगा ड्रॉप, उसको पता ही नहीं जब कहाँ भेजना है, किस डेस्टिनेशन पे, किस नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस पे, राइट, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा सिंपली। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप राउटर पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए डिफ़ॉल्ट राउटिंग, डिफ़ॉल्ट रूट दे दीजिए कि भाई कहीं से भी ट्रैफिक आए, किसी भी डेस्टिनेशन के लिए हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे भेज दो, आगे का डिसीजन वो वाला डिवाइस लेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मेरे को जाना है दिल्ली, तो मैं क्या बोलता हूँ डिफ़ॉल्ट राउटिंग के कंसेप्ट के हिसाब से, कि चाहे मैं साइड वन से जाऊँ, चाहे मैं रास्ते दूसरे से जाऊँ, चाहे रास्ते तीसरे से, तो मेरे को जाना है रोहतक, और रोहतक से डायरेक्टली मेरे को कहाँ मूव करना है, फिर दिल्ली की तरफ। तो रोहतक वाली लोकेशन पे क्या हो रखी है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, कि मैं कहीं से भी जाऊँ बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पहुँच जाऊँ, दिल्ली में। तो आई होप ये एग्जांपल थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए ठीक है, अदरवाइज चलिए बात करते हैं हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से नेटवर्क में। तो पैकेट ट्रेसर में लॉगिन करते हैं। अच्छा, जब तक पैकेट ट्रेसर ऑन हो रहा है, एक और एग्जांपल से देखते हैं। मुझे भी याद आया कि जैसे मान लो आपका ना घर पे कोई मोडम या राउटर लगा है, वाईफाई राउटर, वहाँ पे आपने पीसी से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। देखिए, आप दिन में हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट यूज़ करते हो, तो जो आपका राउटर लगा है क्या उसको पता है कि हर एक वेबसाइट का एड्रेस क्या है, कहाँ पर है? नहीं ना, उसका सर्वर। तो वो क्या करता है, आपका जो राउटर है उस पर डिफ़ॉल्ट राउटिंग इनेबल्ड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो उसमें DHCP इनेबल्ड रहती है और एक नेट एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग इनेबल्ड रहती है। वो क्या करता है, अपने सारे पैकेट जो भी इंटरनेट के ट्रैफिक है उसको ISP की तरफ भेज देता है। अब ISP को पता है आगे कौन सा वेबसाइट का लोकेशन, IP कहाँ पे है, वो अगले डिसीजन ISP लेता है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग का मतलब आपके होम राउटर से ISP तक डिफ़ॉल्ट रूट, कोई मर्जी आपका पैकेट आए मोबाइल से या PC से इंटरनेट के लिए, चाहे फेसबुक ओपन करे, चाहे जीमेल, सारी ट्रैफिक आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका राउटर कहाँ भेज दे, ISP के पास। तो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट राउटिंग। ओके, पैकेट ट्रेसर ऑन हो चुका है हमारा। देखिए, एक तरह का ना स्पेशल केस है ये स्टैटिक राउटिंग का। स्टैटिक राउटिंग याद है आपको कैसे करते थे, IP रूट, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क ID, फिर उसका सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। अगर आपने स्टैटिक राउटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखना उसको, एंड ये वाली वीडियो तब ज़्यादा सेंस बनाएगी आपके लिए, राइट। सो यस, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कैसे कन्फिगर करना है, कहीं से भी आए, लाइक आपको कहीं भी जाना हो, सोर्स की बात नहीं करते, डेस्टिनेशन, किसी मर्जी लोकेशन पे जाना हो। ये जो 0000 है ना, ये क्या स्पेसिफाई कर रही है, एक्चुअली ये कोई एड्रेस नहीं है, ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, याद है, रिजर्व्ड रहता है। हमने बोला था 0000, ये कोई इनवैलिड एड्रेस नहीं है, ये रिजर्व्ड एड्रेस है, और किसके लिए, डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए, राइट। तो आईना ने इसको रिजर्व किया हुआ है, राउटर्स की जो सर्किटरी है वो समझती है, जब भी उसको 000 दिखेगा डेस्टिनेशन की जगह पे, वो समझ जाएगी कि भाई आपका अननोन डेस्टिनेशन का पैकेट है ये, इसके जो पैकेट है उसके अंदर जो सोर्स IP तो है लेकिन डेस्टिनेशन IP नहीं है उसमें, ये है, समझ पा रहे हो। फिर जाना कहाँ है, आपके डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क, कोई भी सबनेट मास्क हो सकता है, राइट, और फिर नेक्स्ट होप, अगला आपको ये भेजना कहाँ है, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये मेरा होम राउटर है, जैसे एयरटेल का राउटर लगाया हुआ आपने, एयरटेल से कनेक्शन लिया हुआ है, या आपका घर पे स्विच है, या फिर आपके राउटर में भी 4 या 6 पोर्ट रहते हैं, ये राउटर खुद स्विच का काम कर सकता है। आजकल तो जो राउटर है ना, 3 डिवाइस का काम करता है, जो आपके घर पे राउटर लगा है, एक्सेस पॉइंट का भी, आपका स्विच का भी, और राउटर का भी, है ना। चलिए, तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ ये मैंने एक राउटर लिया है ना,
चलिए, और इससे मैंने कनेक्शन लिया है आईएसपी का, तो आईएसपी का भी क्या करते हैं हम एक राउटर मान लेते हैं, और सीरियल पोर्ट के लिए मैं इसको हटा के ऐसा राउटर लेता हूँ जिसपे सीरियल पोर्ट हो। सो लेट्स टेक दिस राउटर, है ना। ओके, अभी ये कनेक्टिविटी रहेगी मेरी मेरे घर के राउटर से आईएसपी तक, तो यहाँ पे चलेगी पब्लिक आईपी। तो लेट्स से पब्लिक आईपी है मेरी 123.197.31.1 इस तरह से, और ये आपका क्या है /24 कह लीजिए। ओके, या फिर आप एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 203, ये सी क्लास का ही ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा समझना। कॉपी करके यहाँ पे करते हैं पेस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब ये तो हुआ वैन का इंटरनेट का लिंक। अभी मेरे को लैन की साइड पे क्या करना है, मल्टीपल डिवाइसेस लगाने हैं। सो एक छोटा सा स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस लैन क्रिएट कर लेते हैं। तो एक दो डिवाइस है मेरा यहाँ पे लाइक दैट। ओके, अब ऐसा ही मैं एक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ इस वाली साइड पे ना, कि यहाँ पे मान लीजिए आपका एक सर्वर लगा है और ये वाला दिस वन राइट। तो कनेक्टिविटी करते हैं एक बार, अब अगर आपको नेट में याद हो तो ये आपका क्या रहता है इनसाइड लोकल जो प्राइवेट आईपी। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी दिया है, या फिर डीएचसीपी से मिलता है आपके घर वाले राउटर में, तो आपको डीएचसीपी से मिल जाएगा ये लाइक 10.1 ठीक है। और इस पीसी पे आप आईपी देंगे, डीएचसीपी से ये पीसी उठा लेगा .2 या जो भी रहेगा, है ना, और ये इसका बनेगा गेटवे। अब सर्वर की साइड पे सपोज उन्होंने लिया हुआ है इसमें इनसाइड लोकल 192 या फिर 172 का ले लीजिए आप .16 या 19 रख लीजिए .0.1, है ना। तो सर्वर को आईपी क्या दी है, कंट्रोल वी और यहाँ पे 10। देखिए अगर आपको याद हो मैंने जब स्टैटिक नेट करवाया था तो इस राउटर पे स्टैटिक नेट कन्फिगर्ड होगा और एक पब्लिक आईपी इसमें से उठा के इसके साथ इस पे कन्फिगर की जाएगी राइट। तो ठीक है, वो देख लेना एक बार अगर आपको रिवाइज करना है तो स्टैटिक नेट वाली वीडियो। ओके देन, सो ये वाली हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो एक बार मैं जल्दी से ये कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ओके, FA 0/0 दैट इज 0/1। ये कौन सा इंटरफेस है हमारा, 1 0/0। ओके, तो ऑन नो सेट करते हैं और इस पे आईपी कौन सी है हमारी .1 वाली ठीक है। सर्वर पे आईपी डाल देते हैं एक बार, सो दैट इज 10 और इसमें गेटवे आपको रखना है .1 ठीक है। फिर ये वाला इस साइड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इस राउटर पे, नो शट आईपी एड्रेस एंड इट विल बी यूज्ड ऑन दिस पीसी एज ए गेटवे ठीक है। अब देखिए चाहे आप यहाँ से ना, आपको जाना है इंटरनेट तक, कोई भी मर्जी सर्वर एक्सेस करना हो, इंटरनेट की सर्विस एक्सेस करनी हो, आपको अपनी ट्रैफिक कहाँ भेजनी होगी, अपने राउटर पे ठीक है। अच्छा ये लिंक मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी, इसको फटाफट से कर देते हैं serial 2/0 ऑन करते हैं इसको एंड .1 कॉपी करके इसको डायरेक्ट करते हैं पेस्ट serial 2/0 नो शट डाउन एंड दैट इज। चलिए सो अभी क्या लगता है कनेक्टिविटी आएगी क्या यहाँ से यहाँ तक, नो, क्योंकि इस राउटर के पास ये लिंक हैं दोनों, पर इसका कोई भी उसको अता पता नहीं है। अब देखिए समझिए, मैंने एक स्लाइड यहाँ पे ऐड की है, ये लैब, अच्छा इसमें नहीं लिखा क्या मैंने, सो लेट्स सी, हाँ ये वाला
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखिए ऑल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू आईएसपी नेटवर्क्स यूजिंग डिफॉल्ट राउटिंग। जिसको भी इंटरनेट चलाना है ना, जिसका भी जो होम राउटर हो, चाहे आप नेट के थ्रू कमर्शियल राउटर यूज़ कर रहे हो 2800 2900, वो सारे के सारे जब आपके आईएसपी से जुड़ते हैं तो आईएसपी की साइड आपके जो रूट जाएंगे ना, वो सारे डिफॉल्ट राउटिंग से जाएंगे। ठीक है, कैसे अभी बात करते हैं। देखो मान लो ये बंदा चलाना चाह रहा है facebook.com, ठीक है, facebook.com की रिक्वेस्ट इस राउटर के पास जाती है, राउटर अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है, देखिए शो आईपी रूट, तो इसमें क्या आपको लगता है facebook.com की आईपी पड़ी हुई है? नहीं ना, इसमें तो सिर्फ आपके लोकल रूट्स हैं या फिर वो एंट्री होगी जो जिसके थ्रू ये आईएसपी से जुड़ा है, समझ पा रहे हैं? अच्छा अब मान लो facebook.com का रूट आपने इसमें स्टैटिक तरीके से ऐड करवा दिया, आईपी रूट फेसबुक के सर्वर की आईपी, जो कि आप समझिए आपको कौन बताएगा, फेसबुक अपनी आईपी थोड़े बताएगा आपको अपने रूट, नहीं, फिर भी एक बार को मान लिया मैंने वो डाल दी, फिर जीमेल तक जाना है जीमेल का रूट डालोगे, फिर आपको xyz तक जाना है उसका रूट डालोगे। मान लो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं तो क्या उतने सारे रूट डाल लोगे आप अपने नेटवर्क पे स्टैटिक राउटिंग के थ्रू? नो, उस केस में क्या काम आता है आपका डिफॉल्ट राउटिंग, मतलब जितने भी आपके पैकेट यहाँ पे आएंगे जिस भी इंटरनेट के डेस्टिनेशन के लिए, आप राउटर को बता दोगे कि बाय डिफॉल्ट आप ना आईएसपी की तरफ भेज दो, दैट्स इट। तो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, देखिए इस राउटर पे जाएंगे थर्ड मोड में और लिखना है आईपी रूट और 00, इट मींस एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क और एनी सबनेट मास्क लाइक दैट। ठीक है, अब ज़रूरी है नेक्स्ट होप आईपी, आईएसपी के साइड किस आईपी से जुड़े हो आप, इस आईपी से 203 डॉट, मीन्स आईएसपी तक किस आईपी से पहुंचोगे आप, आपको वो वाली आईपी डालनी है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस, सी दिस वन। अब अगर आप इस राउटर की राउटिंग टेबल चेक करोगे तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट रूट आ गया, समझ रहे, उसकी जो आपकी AD वैल्यू 1 है और मैट्रिक उसकी हमेशा रहेगी 0, क्योंकि वो आपने डिफ़ॉल्टली कॉन्फ़िगर्ड किया हुआ है। अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई टू सेंड अ पैकेट, है ना, यहाँ से आप एक कोई भी पैकेट लीजिए और यहाँ तक भेजने की कोशिश करिए। पहले तो आर्प का ही पैकेट चलेगा, ये मैं छोड़ देता हूँ एक बार, यहाँ तक जैसे ये पैकेट जाएगा इसमें इंस्पेक्ट करिए एक बार, ज़रा इसको पढ़िए पैकेट को, इन लेयर मतलब सोर्स आईपी थी ये वाली, डेस्टिनेशन आईपी थी ये वाली, ठीक है, आउट लेयर में भी आईपी तो कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ मैक चेंज होता है। अब देखिए ज़रा, ये जो 19 का नेटवर्क है 170.19.0.0, ये क्या राउटर के टेबल में है, कहीं पे दिख रहा है? नहीं ना, लेकिन राउटर को ये पता है जब भी एक डेस्टिनेशन का ऐसा पैकेट आएगा जिसमें डेस्टिनेशन अननोन है, जो मेरी राउटिंग टेबल में नहीं है, तो ये उसको कहाँ भेज देगा, नेक्स्ट होप आईपी इसकी तरफ जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। देखिए पढ़िए ज़रा इस पैकेट को, रिसीव किया, इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन चलेगा, सब कुछ ठीक है, अपनी टेबल में चेक करेगा, ठीक है, राउटिंग टेबल में, वहाँ पे राउटिंग टेबल को एक एंट्री मिली है डेस्टिनेशन आईपी के लिए, एंट्री कौन सी थी, स्टैटिक वाली, बस फिर ये उससे आपको आगे भेज देगा। ठीक है, और किस इंटरफेस से भेजा, सीरियल 2x0 से, क्योंकि ये जो आईपी थी ये इस इंटरफेस के थ्रू जुड़ी है, आईएसपी को भेज दिया, अगेन फिर उधर आर्प का प्रोसेस होगा, जैसे ये आर्प का प्रोसेस पूरा हुआ, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार पैकेट को, दूसरा पैकेट लेते हैं, मीन्स वन साइडेड राउटिंग है भी, बोथ साइड राउटिंग नहीं है, यहाँ पे गया इसने डिफ़ॉल्ट पैकेट कहाँ भेज दिया आपका आईएसपी की साइड, इसने अपने सर्वर पे भेजा, यहाँ पे इसको इसके पास आए, अब देखिए इसके पास ये रूट नहीं है अपनी राउटिंग टेबल में, अगर आप चेक करेंगे ना शो आईपी रूट में जाके, तो इसके पास 192.68 का रूट नहीं है क्योंकि आपने डाला ही नहीं है, सो डू शो आईपी रूट नहीं है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि जो आईएसपी के साइड से आपकी तरफ रिप्लाई आना है वहाँ पे सारी स्टैटिक राउटिंग होनी होती है, तो जो भी आपके रूट हैं ये लैन वाले आपको उनको बताने हैं और वो अपने राउटिंग टेबल में एंट्री करेंगे। तो कैसे, स्टैटिक का भी इस बहाने का एग्जांपल देख लेते हैं, आईपी रूट कहाँ पे आना है मेरे इस नेटवर्क पे, सी 192.68.10.0 पे, 192.168.10.0, सबनेट मास्क क्या यूज़ किया है हमने,
255.255.0, और किस आईपी से जा सकता है वो, इस वाली आईपी से, राइट। सो इसको कॉपी करता हूँ एक बार मैं, राइट, और पेस्ट। सो दिस इज अ स्टैटिक रूट, डू शो रन करेंगे तो ये रूट की एंट्री आपको मिलेगी इसमें, राइट। तो यहाँ पे सी दिस वन, और अगर आप डू शो आईपी रूट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्टैटिक रूट भी मिलेगा इस तरह से। ओके देन, तो अभी अगर आप पैकेट भेजते हैं दोबारा से, तो आपके पास जो कस्टमर है उस तरफ रहेगी डिफॉल्ट राउटिंग, और जो आईएसपी है उसकी तरफ रहेगा आपका स्टैटिक राउटिंग। अब ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि क्यों कस्टमर की साइड पे स्टैटिक राउटिंग नहीं करनी चाहिए, और क्यों आपका जो प्रोवाइडर नेटवर्क है उनके साइड पे स्टैटिक राउटिंग नहीं करनी चाहिए, राइट। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मुझे बताना। यस, तो ठीक है, आई थिंक यही रहेगा। आपको कभी भी किसी भी केस में डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी होगी तो जस्ट जिसकी तरफ भी पैकेट भेजने हैं, डिफ़ॉल्ट राउटिंग की कमांड में उसका नेक्स्ट होप आईपी मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ऐसे एक्चुअली आईएसपी के साथ डायरेक्ट सर्वर नहीं लगे होते, आईएसपी को, ये जैसे फेसबुक का सर्वर था ना, तो ये वो वाला था सिनेरियो, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि इंटरनेट ऐसे बनता है। सी, आप जुड़े हैं इस आईएसपी से, ऐसी और आईएसपी होंगी बहुत सारी, और ये ऐसे कनेक्टेड रहेंगे एक्चुअली। तो ये जो फेसबुक का राउटर था इससे जुड़ा होगा, आपका होम राउटर अपनी आईएसपी से जुड़ा होगा, और ये सारी आईएसपी एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। तो क्योंकि पैकेट ट्रेसर में मैं करके नहीं दिखा सकता ना ये आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये राउटर के साथ सर्वर लगाया। सो आई होप ये क्लियर है आपको, राइट। तो लेट्स सी, कुछ और तो नहीं बचा होगा वीडियो में, यस इतना ही है। सो ओके गाइस, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई थिंक ये इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए, और यस थैंक यू, बाय बाय, एंड सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।